हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवे एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यहां पे हम लेकर के एरो एरो के एग्ज़ाम के डेट 2024 के अपडेट लेकर के प्रेजेंट हैं, जो कि जो ताज़ी अपडेट अभी अभी आई है उस प्रोवाइड करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसका री एग्ज़ाम कब होने वाला है 2024 में, सारे अपडेट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के भर्ती परीक्षा जो है आयोजित करवाई गई थी 11 फरवरी 2024 को। यहाँ पे लाखों अभ्यर्थियों के द्वारा एग्ज़ाम दिया गया था। कुल 10,76,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को भरा था, जिसमें 6 लाख के ऊपर अभ्यर्थी ने जो है फॉर्म को इस भर्ती के एग्ज़ाम को दिए थे। लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने के पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। पेपर लीक की वजह से जो है इस परीक्षा का जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के माध्यम से निरस्त करा दिया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से जो है यह कहा गया था कि 6 माह के अंदर चाहे सिपाही भर्ती हो या समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती, दोनों परीक्षाओं के लिए आयोजन करवाया जाएगा 6 महीना के अंदर। तो अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो है समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के पुनः एग्ज़ाम तिथियों पर काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। अब देखेंगे इस एग्ज़ाम के लिए ताज़ी अपडेट क्या आई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के एग्ज़ाम को लेकर के ताज़ी जानकारी आ चुकी है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो है माध्यम से डेट जारी करने के लिए अभी से तैयारी में जुट चुका है। लोक सेवा आयोग एग्ज़ाम डेट इसलिए अभी जारी नहीं कर रहा है क्योंकि एग्ज़ाम डेट तय होने के लिए लोक सेवा आयोग देख रहा है कि कहीं जो है और किसी भर्ती की परीक्षा तिथि तो नहीं टकरा रही है, जिस वजह से जो है परीक्षा अभ्यर्थियों को परेशानी न झेलना पड़े। और इस वजह से लोक सेवा आयोग ऐसी ही परीक्षा तिथि को देख रहा है ताकि वह डेट किसी और भर्ती एग्ज़ाम के लिए रिजर्व बना हो। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती की एग्ज़ाम डेट के बारे में बात कर लिया जाए तो लंबे समय से अभ्यर्थियों को समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती के एग्ज़ाम तिथियों को इंतज़ार है, क्योंकि 11 फरवरी को या परीक्षा आयोजित हुई थी इसके बाद से जो है अभ्यर्थी तक एग्ज़ाम तिथि जारी नहीं हुई है। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त तक में इस समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का एग्ज़ाम को आयोजन करवाया जा सकता है। इसके लिए जो है एग्ज़ाम का कैलेंडर इसी अप्रैल माह में जारी होने की सूचना आ चुकी है और अप्रैल माह में यह एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होगा तो पता लग सकेगा कि परीक्षा कब आयोजित होगी। अब जो है इस एग्ज़ाम के लिए जो है एग्ज़ाम सेंटर की खोजबीन भी जारी है और एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सेंटर की बात कर लिया जाए तो लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती के लिए नए एग्ज़ाम केंद्र को निर्धारित किया जाएगा। हालांकि जो भी पहले एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं उसमें से भी कुछ एग्ज़ाम सेंटर रह सकते हैं और लेकिन इस बार एग्ज़ाम सेंटर इस तरह से बनाए जाएंगे कि एग्ज़ाम सेंटर जो है ब्लैक लिस्टेड ना हो। और बहुत ही स्कूल कॉलेज ब्लैक लिस्टेड हैं जिनको बिल्कुल भी लोकसभा आयोग लोक सेवा आयोग रहेगा दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर नहीं बनाएगा, बल्कि ऐसे सेंटर को लोक सेवा आयोग तय करेगा जो कि राजकीय हो सरकारी हो और उस पर कभी भी नकल पेपर लीक कैसे विद्यालय कॉलेज पर आरोप न लगे हों। तो ऐसी अपडेट है प्रोवाइड किए हैं और न्यू अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो नोटिफिकेशन आसानी से पड़े। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू।